हेलो गाइस, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो कैनन। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। तो पहले हमें लगेगा एक पीवीसी पाइप जिसका डायमीटर है 4 इंच बाई 1.5 फिट और इसका लेंथ है 1.5 फिट। और दूसरे लगेगा और एक पाइप जिसका डायमीटर है 1.5 इंच और इसका लेंथ है 3.5 फीट। अब लगेगा कि डिड्यूसर जिसको हमें 4 इंच से 1.5 इंच करना पड़ेगा और इसको लगाना पड़ेगा। और लगेगा एक एंड कैप जो 4 इंच पीवीसी पाइप का एंड में लगेगा जिसको सील करने के लिए। आप देख सकते हो इसको ऐसे लगाना पड़ेगा और इसको फिक्स करना पड़ेगा। और जो रिड्यूसर है वो कुछ इस तरह से रहेगा, सॉरी गाइस, रिड्यूसर इस तरह से लगेगा ऊपर से। और इसके फ्यूल के लिए लगेगा एक हेयर स्प्रे जो कि आप देख सकते हो। और हाँ गाइस, ये बहुत ही हाईली फ्लेमेबल है, इसको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना। और हमें लगने वाला है इसके साथ एक लाइटर जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाला गैस का लाइटर, ये अपने घर से ले लेना पर सावधानी से। और फाइनली लगने वाला है आलू जो हमारे कैनन का एमओ की तरह काम करेगा। तो चलिए गाइस, इस सभी को एक एक करके जोड़ते हैं ग्लू से। तो यहाँ पे ग्लू लगा रहा हूँ मैं, ये वाला ग्लू आप देख सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो हमने अच्छे से ग्लू लगा दिया और ग्लू के माध्यम से एंड कप को इधर और रिड्यूसर को इधर लगा दिया। अब इसके बाद हम ग्लू गन से जो एंड कप के बीच और रिड्यूसर के बीच जो पोर्शन है उसको अच्छे से फिर से सील कर देंगे। और इसको फिक्स होने के बाद जब टोटली अच्छे से ग्लू गन लग जाए तब थोड़ी से यानी कि 2 मिनट टाइम इसको सूखने के लिए दे दीजिए। और फिर इस पाइप को अच्छे से ऊपर से फिक्स करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। और इसको फिक्स करने के बाद इसको भी हम सेम ग्लू गन से सील कर देंगे ताकि अंदर का जो गैस या हवा कुछ भी हो बाहर ना आ सके लीक से। अगर लीव से हवा बाहर आया तो हमारा प्रोजेक्ट जो है फेल हो सकता है। एंड नाउ यहाँ पे एक होल करना पड़ेगा जिसका होल का माप होगा कुछ इस तरह का लाइटर के माप से। और लाइटर को रख के यहाँ पे हम पेंसिल के माध्यम से मार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से। फिर इस मार्क को करने के बाद इसको काट लेना पड़ेगा राउंड शेप में, जैसे कि आपने शेप लिया है यहाँ पे। तो हम इसको शोल्डरिंग मशीन से पिघला के छेद करेंगे यहाँ पे। और छेद होने के बाद इसको जो लाइटर को है अंदर घुसा के देख लेंगे। और हाँ, ये जो होल है लाइटर के साथ टाइट होना चाहिए, नहीं तो अंदर का हवा या गैस ऊपर आ सकता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो रेडी हो चुका है। चलिए एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स और एक बार छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं।
और अब हमें पोटैटो लेना पड़ेगा कुछ हिस्से का, और पोटैटो को इस तरह से कुछ स्कैनर के अंदर घुसाना है। ऐसे घुसने के बाद कुछ इस तरह का शेप में आलू अंदर जाएगा, आप देख सकते हो ऐसे। और इसके बाद एक लकड़ी लेना है और लकड़ी को लेके इस जो आलू है उसको और भी अंदर ढकेल देना है कुछ इस तरह से। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ये आलू किस तरह से बाहर निकलता है प्रेशर से। इसको हटा ले इसलिए हवा ऊपर आ गया। वीडियो ऑन। टारगेट लास्ट वीक को लेके टारगेट फिक्स्ड।